खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां दिव्यांग बच्चों ने सुंदर राखियां बनाई थी जिनका विक्रय करने संबंधित एमकेएन ने खबर भी प्रसारित की थी। वहीं खबर वायरल होने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छात्रों से राखी खरीदने का निश्चय किया। वहीं जिसके बाद बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान ने पुनर्वास केंद्र पहुंचकर दिव्यांग छात्रों से मुलाकात कर उनसे राखियां भी खरीदी। मध्य प्रदेश शासन के कृषि एवं कल्याण मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री माननीय कमल पटेल जी के निर्देशानुसार आज यहां आधार फाउंडेशन में दिव्यांगजन बच्चों से इन्होंने जो राखियां बनाए हैं वो पूरी की पूरी, उन मंत्री जी का निर्देश था कि पूरी की पूरी राखी जो है खरीद लें और आगे भी इनके लिए जो उचित बनेगा उस पर विचार करें तो आगे इनका सहयोग करेंगे। तो माननीय मंत्री जी के निर्देश पर आज महेश केंद्र जी आधार फाउंडेशन के संचालक से माध्यम से हम लोग बच्चों से हम लोग ने जो दिव्यांगजनों ने राखी बनाए थे इनसे खरीद ली है। तो लगभग 1200 रुपये की राखी जिलाध्यक्ष जी विवेक बंटी साहू जी के भी आए थे, उन्होंने भी बच्चों से मिले और राखी यहाँ पे ली है। तो माननीय मंत्री जी को इसके लिए मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगजन बच्चों की सुध ली और उनके बारे में सोचा। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांग छात्रावास में हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बनाई गई उनके द्वारा और फिर वो राखी उन्होंने बेची, वो न्यूज मैंने देखी। मैंने अपने तत्काल जिला अध्यक्ष जी को बताया कि उन बच्चों के राखी खरीदें, जो बच्चों की राखी जो और उनको सहयोग करें। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत सुंदर राखियां उन बच्चों ने बनाई है और ऐसे बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि विकास की कतार में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको हमको आगे लाना है, जो असहाय उसकी सहायता करना है, जो कमजोर है समाज में उसकी सहायता करना है और हम सब मिलकर ऐसे कमजोर हमारे परिवार के जो सब